तो बीपी तो मेरा ओके है, परफेक्ट। वेट भी आपको दिखा दें, पूरे क्विंटल के पत्रकार हैं अपन। ये भाई जो है ये मेरा बीपी चेक कर रहे हैं। ये क्या चिपका रहे हो, ये कहाँ लगेंगे? इलेक्ट्रोड लगेंगे चेस्ट पे। चेस्ट पे लगेंगे? चेस्ट पे लगाओगे। इस समय मैं मध्य प्रदेश के खंडवा के दादाजी धुनी वाले जिला अस्पताल के सामने वाली गली में खड़ा हूँ, जिसका गेट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो है ये बिल्डिंग कॉर्नर वाली, ये बैंक ऑफ इंडिया है। दरअसल यहाँ आपको बता दें मैं क्यों आया हूँ, इसके पीछे कारण है, बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आपको ये वीडियो ज़रूर पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मैं बड़े मन से बना रहा हूँ, क्योंकि मामला दिल का है। लगातार हम पिछले कई महीनों से, खासकर लॉकडाउन के बाद से, ये सुन रहे हैं कि 18 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, इस उम्र के लोगों को कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक आ रहा है और लोग दुनिया छोड़कर जा रहे हैं समय से पहले। किसी ज़माने में हमने कभी नहीं सुना कि किसी 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया हो या 35 साल के व्यक्ति को आया हो। बहुत रेयर केस पूरी दुनिया में हुआ करते थे, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा केस इस तरह के बढ़ चुके हैं। और इसके पीछे बहुत से कारण हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। अक्सर अब जो ट्रेंड हो गया है, लेट नाइट सोने का, टाइम पर खाना नहीं खाने का, जमाने भर का आदमी को स्ट्रेस है, और इस सब और इस तरह के बहुत सारे कारणों के चलते आदमी अनहेल्दी हो रहा है। और वो अपनी लाइफ में इतना उलझा भी हुआ है कि उसके पास समय नहीं है कि वो अपना टेस्ट करा ले। इसी टेस्ट को कराने मैं भी यहाँ आया हूँ। एक टेस्ट होता है दिल से संबंधित, जिसे TMT बोलते हैं, और उसके अलावा ECG तो कॉमन चीज़ है जो सब जगह हो जाती है। TMT, ECG, ECO और दुनिया भर की चीज़ें हैं ये। हालांकि जिस सेंटर के सामने मैं खड़ा हूँ, इसका नाम चिन्मय डायग्नोस्टिक सेंटर है। इसके डॉक्टर रजुल सोनी और शुभ्रा सोनी हैं, बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं खंडवा के। इनसे मैं वो टेस्ट कराने वाला हूँ, क्योंकि मेरा भी जो वेट है वो बॉडी मास के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। लगातार मेहनत करने के बावजूद भी वेट मेरा बढ़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं मैं 40 प्लस एज का हो गया हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक बार मैं अपने शरीर को स्कैन कराऊँ। मैं खुद का भी यहाँ पे टेस्ट कराऊँगा, और यहाँ पर एक कैंप भी लगना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि वो कैंप में क्या आपके लिए सुविधा रहेगी और वो कैंप किस चीज़ से रिलेटेड है। चलिए आपको हम अब इस सेंटर के अंदर लेकर चलते हैं कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटी हैं, और उसके बाद मैं खुद यहाँ पर टेस्ट अपना कराने वाला हूँ कि मेरा दिल आखिर कैसा है, हार्ट कैसा है। वैसे तो अपना काइंड हार्टेड है आप जानते हैं, लेकिन दिल में शारीरिक तौर पर क्या कोई कमी तो नहीं है, क्या कोई तकलीफ तो नहीं है, उसकी जानकारी लेना भी ज़रूरी है, और वो जानकारी देगी मशीन। चलिए आपको लेकर चलते हैं, वो TMT टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, और इस जो कैंप लग रहा है उसके बारे में भी डॉक्टर से आपको जानकारी दिलवाएंगे। तो बीपी तो मेरा ओके है, परफेक्ट। वेट भी आपको दिखा दें, पूरे क्विंटल के पत्रकार हैं अपन। तो बीपी तो मेरा ओके है, परफेक्ट। वेट भी आपको दिखा दें, पूरे क्विंटल के पत्रकार हैं अपन। क्या चिपका रहे हो, ये कहाँ लगेंगे? इलेक्ट्रोड लगेंगे। चेस्ट पे? चेस्ट पे लगेंगे। चेस्ट पे लगाओगे? कुछ इस तरीके से ट्रेडमिल जैसे इंस्ट्रूमेंट पे हमें 3 से 5 मिनट चलाया जाएगा, हमारी दिल की कैपेसिटी को चेक किया जाएगा और ये कंप्यूटर उसको टेस्ट करेगा। ये बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, और ये मेरे शरीर पे आपको दिखा दूं, ये इस तरीके से स्ट्रिप लगाई हुई है, और ये स्ट्रिप मेरे दिल की धड़कन और उसकी कैपेसिटी को चेक कर रही है। और एक इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के पूरा होने के बाद डॉक्टर इसको मेजरमेंट करके मुझे बताएंगे कि मेरे दिल की पोजीशन आखिर है कैसी। डॉक्टर मैडम पूरा मेजरमेंट कर रही हैं, और सामने स्क्रीन पे जो इसका सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर बताएगा कि आखिर फाइनल में क्या पोजीशन आई, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे मेरा जो दिल है वो हेल्दी है या मुझे सुधार करने की जरूरत है। दोस्तों लगभग 7-8 मिनट स्लो से लेके स्पीड तक मेरा टेस्ट किया, दादा जी महाराज की कृपा से मेरा जो दिल है वो स्वस्थ है, ऐसा मैडम का कहना है। और वेट मेरा ज्यादा है, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, उस पर मैं प्रयास करूंगा। तो आप ही अपने व्यस्त शेड्यूल में से जरूर अपना कुछ समय निकाल कर आए, यदि मैं हाफ रहा हूं कि मेरा वेट ज्यादा है जिसके कारण मैं हाफ रहा हूं, और
आपके पास समय हो, बहुत ज्यादा खर्चीली व्यवस्था नहीं है, 25 तारीख को फ्री यहाँ पे कैंप है जिसका ओपीडी चार्जेस कुछ नहीं लगेगा, और जो टेस्ट आप कराएंगे चाहे वो लैब से कराएं चाहे वो टीएमटी कराएं जो मैं करा रहा हूँ दिल से संबंधित बीमारी जानने के लिए, और चाहे आप सीटी स्कैन कराएं उसमें 50% ऑफ है। दिखा दें, इसमें मेरा ECG भी ऑटोमेटिक हो गया, मेरा जो दिल है वो स्वस्थ है, पर मैंने खुद फील किया कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया है। बॉडी मास के हिसाब से 68-70 होना चाहिए, पर मेरा वेट लगभग 100 किलो के आसपास है, यानी मुझे वेट पे फोकस करना चाहिए। दिल ठीक है, और अगर मैं वेट पे फोकस कर लूंगा तो दिल मजबूत भी रहने वाला है। मैम, एक मैंने अभी TMT कराया है, ECG भी मेरा हुआ है। आज की डेट में आप जानते हैं कि हम ये देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए, स्पेशली कोरोना के बाद से। 15 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, 20 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, 25, 30, 35, 40 तो जनरली प्रैक्टिस में नहीं थे, बट अब ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये जो TMT है बेसिकली मैम, और TMT और ECG और एक्सेट्रा जो भी इसके साथ लिंक्ड आपकी मशीन चेक करती है, ये बेसिकली बताती क्या है कि मेरा दिल कैसा है, मेरा हार्ट कैसा है, किस पोजिशन में है, इसका क्या रोल रहता है? एक्चुअली TMT में हम लोग आपकी एज और वेट हाइट के हिसाब से एक कार्डियक लोड चेक करते हैं, तो उस लोडिंग में आपके टारगेट हार्ट रेट फिक्स करते हैं, उतना हम आपको चला के देख लेते हैं। अगर कुछ कार्डियक प्रॉब्लम आगे आने वाली होती है आपको जी, तो वो टारगेट हार्ट रेट तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी दिखना शुरू हो जाती है, और उस दिखने के टाइम पे अगर वो पेशेंट अच्छे से परफॉर्म कर लेता है TMT, मीन्स उसको अगले कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक उतना हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हम मान के चलते हैं। पर और आजकल तो इतना फ्रिक्वेंट हो गया हार्ट अटैक्स कि सब अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस रहने लगे हैं जी, तो अपना हेल्थ चेकअप करवाते ही करवाते हैं। तो उस हेल्थ चेकअप में ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं कि आप हार्ट देखने के हिसाब से TMT करा लो, ECG करा लो, और इको 2D इको कार्डियोग्राफी कलर डॉपलर जो होता है वो भी, जो नहीं TMT पे चल पाता है उसको हम फिर कलर डॉपलर इको से हार्ट का असेसमेंट कर लेते हैं, एक रफ असेसमेंट जो होता है वो इको से भी हो जाता है। हायर सेंटर्स पे हम एंजियोग्राफी वगैरह कराने भेजे उसके पहले कि हम ये सब जांचें करके, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति को ये जरूर करा लेना चाहिए, एटलीस्ट उसको ये शांति हो जाएगी कि मेरा जो हार्ट है वो ठीक काम कर रहा है, और ये जो आपकी TMT मशीन है, ECG इंक्लूडिंग है, ECG करते हैं, उसमें एटलीस्ट उसको ये पता लग जाएगा कि भाई अभी मेरा हार्ट ऐसी सिचुएशन में है कि अपकमिंग ईयर में उसमें को बहुत ज्यादा एरर नहीं आएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। हमारी एंजाइटी जो टेंशन हम रखते हैं दिमाग पे कि कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो एंजाइटी भी रिलीफ हो जाती है, और एक बेसिक पैरामीटर हमारे सामने रहते हैं, तो फिर हम आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक कैंप भी लगा रहे हैं आपके हाँ। बेसिकली ये जो आपका इंस्टीट्यूशन है इसका नाम क्या है? असल में ये चिन्मय डायग्नोस्टिक सेंटर मैंने एक साल पहले ही शुरू किया है जी। तो उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मैं चाह रही थी कि खंडवा के सब लोगों को कुछ इस हेल्थ चेकअप का एडवांटेज मिले, तो एक निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है जिसमें मेरा परामर्श तो ओपीडी मतलब नहीं रहेगा, ओपीडी निःशुल्क ही रहेगी, प्लस मेरे यहाँ पर जो एडवांस टेस्ट वगैरह होती हैं, पैथोलॉजी है, एक्सरे है, CT स्कैन है, अभी इको डॉपलर TMT की हमने बात की वो है, अगर किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो सब 50% डिस्काउंट के साथ में मैं करूंगी, जो उस दिन रजिस्टर होगा पेशेंट सिर्फ उसके। कौन सी डेट को है मैम? 25 फरवरी महीना, यानी 25 फरवरी को रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हम 15 फरवरी से शुरू करेंगे। अच्छा, कोई कांटेक्ट आपसे करना चाहे रजिस्ट्रेशन के लिए तो कांटेक्ट तो ये चिन्मय डायग्नोस्टिक सेंटर का नंबर है 7828897760 और 8889966100। अच्छा, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका नाम क्या है मैम? मैं डॉक्टर राजुल सोनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
जो है मेरी रिपोर्ट भी पब्लिश हो गई, मैडम साइन कर रही हैं। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने TMT कराया, क्योंकि मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बिजी है और मेरी बिजी लाइफ में आपको बता दूं कि मेरी तरह बहुत से लोगों की लाइफ बिजी है, लेकिन सभी लोग पैसा कमाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं और ये पैसा सब रखा रह जाता है जब आदमी को कार्डियक अरेस्ट आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में पैसों के साथ साथ हेल्थ भी है, और हेल्थ के बगैर पैसे का कोई वैल्यू भी नहीं है। ये जो है लैब भी है, TMT भी होता है जो मैंने कराया, और आपका सिटी स्कैन भी होता है, एक्सरे वगैरह सब कुछ होता है। एक बहुत अच्छा बड़ा ये लैब है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, और आपको एक बार दिखा भी देते हैं, दोबारा एड्रेस भी समझा देते हैं। इसका नाम है चिन्मय डायग्नोस्टिक सेंटर, और ये जो है ये सामने खंडवा का जिला अस्पताल है, और ठीक उसके सामने बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है। उसके ये जो सामने वाला गेट है, इसके ठीक सामने वाली गली में आपको आना है, और राइट हैंड साइड पे ये चिन्मय डायग्नोस्टिक सेंटर है। डॉक्टर रजुल सोनी MD मेडिसिन है और शुभ्रा सोनी वो इन्हें संचालित करते हैं। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, हाई टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पे इक्विपमेंट हैं, मशीनें हैं, तो मेरा दिल तो सुरक्षित है और थोड़ी सी मुझे शांति मिली। आपके भी मन में कोई डाउट हो, अगर आप कभी ये सुनते हैं कि कम उम्र का व्यक्ति हार्ट अटैक के चलते चला गया, तो अपने मन की शांति के लिए आपको एक बार यहाँ पे आना चाहिए। और अच्छा मौका है, 50% डिस्काउंट, अच्छा खासा डिस्काउंट होता है, क्योंकि इनके एक साल हो गया इनके क्लिनिक को, इनके सेंटर को, तो उसकी एनिवर्सरी की खुशी में ये जो इस तरह के टेस्ट कराने के इंटरेस्टेड हैं उनको ये डिस्काउंट दे रहे हैं, और हैवी डिस्काउंट है, 50%, सिर्फ 25 तारीख को रहेगा। और इसको लेके जो नंबर मैडम ने आपको बताया उस पर आप अपना बुकिंग भी करा सकते हैं, बुकिंग से आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो एक बार अपने दिल का और कोई जांच करानी ना करानी, लेकिन दिल की जांच कराने एक बार ज़रूर आइएगा।